हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन सवाल संडे। ऐसा बना दिया हमने, संडे के संडे तो मिल ही सकते हैं, है ना? हर सिमरन जी, क्या हाल है, कैसे हो भाई? और सभी कैसे हैं, क्या कर रहे हैं संडे? टीवी देख रहे हैं, डिनर कर लिया, क्या हाल है दोस्तों? कम अलोंग, आ जाइए, मिलिए। हाउ मैनी कैलरी शुड वी टेक इन अ सिंगल मील? वेल, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, आप अपनी मर्जी से कैलरीज ले सकते हैं सिंगल मील में। कई लोग अपनी पूरी की पूरी कैलरी एक मील में लेते हैं पूरे दिन की, कई लोग अपने कैलरीज को डिवाइड करते हैं। कायदे से तो हो स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट सबसे अच्छा है। सो अगर आप एक मील में अप्रॉक्सीमेटली 500 कैलरीज लेंगे, दैट इज़ वन गुड वैल्यू। 300 to 500 इज गुड वैल्यू कैलरीज, 300 to 500। तो उससे क्या होगा, आपकी 4, 5, 6 मील हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 तक जाना चाहिए मेरे हिसाब से, उससे ज़्यादा नहीं। हेलो एवरी वन, सत श्री अकाल, की हाल चाल? टी वी देख रहे हो, बहुत बढ़िया। एच पी वी वायरस वार्ड्स के बारे में बताएं। तो एच पी वी के लिए फिर मेडिकेशन लेनी पड़ती है काफ़ी टाइम के लिए, तो वार्ड्स हैं अगर तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है? सीलेक डिजीज के बारे में वीडियो बनाएंगे, वॉट्स के बारे में भी बनाएंगे, डोंट वरी। सर, सेक्स फीलिंग कम हो गई है सीलेक डिजीज़ के लिए? यार, देर इज़ नथिंग मच विच यू कैन डू। एलर्जी है आपको तो एलर्जी है, राइट? टेस्टोस्टेरोन कम है, भूपेंद्र सिंह पूछ रहे हैं। तो टेस्टोस्टेरोन के लिए आपको लेना होगा टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कि वो क्यों कम है। तो टेस्टोस्टेरोन फ्री और टोटल कराइए, उसके बाद में बातचीत करिए यूरोलॉजिस्ट से, या फिर टेस्ट कराइए अपने हॉर्मोन्स के, फिर अपने टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड, स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड की, भाई उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ये जान के ही पता चलेगा कि टेस्टिस में कहाँ। फिर टेस्टिस में जब तक प्रॉब्लम भी था, टेस्ट कोई स्टीरोइड तो नहीं लिया, कोई आयुर्वेदिक दवा तो नहीं खाई, राइट? वो चीज़ सेम चीज़ होगी, सेक्स फीलिंग कम तो नहीं हो गई, राइट? परमिंदर सिंह पूछ रहे हैं सेक्स की फीलिंग कम हो गई, वो भी आपके टेस्टोस्टेरोन कम के वजह से हो सकती है। सर, कैन यू मेक लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक मेडिसिन? नो, आई कैन नॉट मेक लेक्चर ऑन होम्योपैथिक मेडिसिन बिकॉज दे आर नॉट माई स्पेशलिटीज़। कायदे से तो आयुर्वेदा भी हमारी स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन कुछ आयुर्वेदिक मेडिकेशंस पे रिसर्च जरूर चल रही है। होम्योपैथिक पे जो रिसर्च हुआ है, अनफॉर्चुनेटली वो सारी की सारी प्लासीबो इफेक्ट साबित हुई हैं। सो होम्योपैथी इज़ मोर लाइक अ प्लासीबो इफेक्ट, इफ़ यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सर, अगर पानी सिर्फ एब्जॉर्ब होता है तो खाना खाने के 1 घंटे पहले क्यों लेना चाहिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पहले क्यों नहीं? पानी को, भाई साहब ऐसा है ना, पानी पेट में जाके एकदम से नहीं, एकदम पेट में गया और खून में गया, ऐसा तुरंत नहीं होता, इट टेक सम टाइम, है ना? तो 1 घंटे तक इसीलिए क्योंकि जब आप पानी पी लोगे तो पानी पेट में जाके एसिड को डाइल्यूट कर देगा, और उसके बाद 15 मिनट बाद भी, या 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लग जाएगा उस एसिड को वापस अच्छा गाढ़ा होने में, राइट? ताकि जब आप खाना खाओ तो वो पच सके, इफ यू गेटिंग माई पॉइंट, इसलिए नहीं। नहीं तो जल्दी से तुरंत पी लोगे तो बात ही एक ही बराबर हो गई, साथ में पी लो चाहे वो पी लो। अपेंडिसाइटिस एट विच लेवल ऑफ वर्टिब्रा? ये नया ही खोला इन्होंने, वर्टिब्रा पीठे पीछ में स्पाइन में होता है, लोअर साइड में, पेट के लोअर राइट साइड में अपेंडिक्स होता है, वहां अपेंडिसाइटिस होता है, वहां वर्टिब्रा का कोई लेवल फिक्स नहीं होता उसका। अपेंडिक्स किसी का ऊपर ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होता है, किसी का नीचे की तरफ। अल्ट्रासाउंड कराइए। ग्रेड 3 हीमोरॉइड्स नीड ऑपरेशन, या तो आप वहाँ बैंडिंग करा लीजिए, राइट? आप सूट इंजेक्शंस लगवा लीजिए, बैंडिंग वुड बी बेटर फॉर यू। सर, पीके, व्हाट इज ऑक्सीजन मेजरमेंट इन स्ट्रेस टेस्ट? एंड सर, इन थायराइड रिपोर्ट, TTTSH की रिपोर्ट नॉर्मल है, माइनस? नहीं जी, नॉर्मल नहीं, माइनस तो नहीं है, वैसे ठीक है, इसमें TSH की रिपोर्ट ठीक है तो ये भी ठीक है, ठीक है, नॉर्मल है रिपोर्ट। ऑक्सीजन मेजरमेंट इन स्ट्रेस टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट में ऑक्सीजन मेजरमेंट नहीं होता है, स्ट्रेस टेस्ट में हार्ट रेट देखा जाता है और ऑक्सीजन मेजरमेंट का कोई खास रोल नहीं होता।
अगर आप हार्ट के स्ट्रेस टेस्ट की बात करो, उसके ऊपर मेरा पूरा वीडियो है, स्ट्रेस टेस्ट बाय डॉक्टर एजुकेशन। हेलो मिस्टर रोहन, हेलो जुनैद, फैट लॉस के लिए मेडिसिन सजेस्ट करें। फैट लॉस के लिए सिंपल सी मेडिसिन है कि आप अपने घर से सारी की सारी स्वीट्स वाली चीज़ें हटा दें और मेडिसिन खाएं, आधा किलो सब्जी, आधा किलो सैलेड, आधा किलो सब्जी पकी हुई, आधा किलो सैलेड रोज खाएं और 15 मिनट की वॉक करें, यही मेडिसिन है। कोई ज़बरदस्ती की फैट लॉस की मेडिसिन मत ले लेना, अपने आप का खुद का नुकसान करके बैठोगे, फिर याद करोगे कि डॉक्टर साहब ने तो मना किया था। राइट सर जी, पीनट बटर एंड मिल्क साथ में ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, ऐसे कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, ले सकते हो। धड़े बाल वापस आते हैं क्या? नीरज वर्मा पूछ रहे हैं। झड़े बाल ही तो वापस आते हैं, बताओ। कटे बाल भी वापस आते हैं, झड़े बाल भी वापस आते हैं। भाई वापस आने बंद होते हैं और तभी तो उसको बीमारी बोलते हैं। बालों का तो काम है वापस आना, बाल झड़ा लो, बाल कटा लो, कुछ भी कर लो, बीमारी के बाद वापस आने का काम तो है उनका। नहीं आते हैं, यही तो बीमारी है, बीमारी का कारण ढूंढना होता है। हेयर लॉस वाले हमारे वीडियो देखिए, टिकटॉक पे भी अभी एक वीडियो डाला है हेयर लॉस वाला। जी हाँ, अब हम टिकटॉक पे भी आ गए हैं, टिकटॉक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेसबुक सभी में आपको मिलेगा। गिव हिम एनी इंपॉर्टेंट हेल्थ एडवाइस रिलेवेंट टू टूडेज डेट। आज क्या है भाई, कुछ है क्या? आज 6:10 मला माहित नहीं आज काय आहे, प्लीज। हेलो सुधांशु बाला, इज देयर एनी परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर हॉलोनेस इन द वर्ल्ड? हाय राम, डिप्रेशन विप्रेशन में हो क्या? रूप, मिस्टर रूप, मिसेज रूप, पता नहीं कौन से वाले हैं। रूप जी, ऐसा है, थोड़े से कपिल शर्मा के कॉमेडी वीडियो लगाइए, थोड़े से कॉमेडी चीज़ें देखिए, बढ़िया खुश रहिए। देर इज़ नो हॉलोनेस इन दिस वर्ल्ड, देर इज़ ओनली हॉलोनेस हु डोंट फाइंड थिंग्स टू डू। जिनको काम ना है उनके ज़िंदगी में हॉलोनेस और कोई नहीं। स्ट्रेचिंग से रेडनेस हो गई, स्ट्रेचिंग से रेडनेस काहे होती है? नहीं होती है, कोई ओवर स्ट्रेचिंग से हो सकती, ओवर स्ट्रेचिंग। विल यू कम टू अबू धाबी सर? कुछ कारण होगा तो आएंगे हम, ऐसे थोड़ी आएंगे। कोई कारण होगा, कुछ होगा, ऐसा मौका बनेगा तो आएंगे। ऑलराइट, राम राम जी। विवेक विर्क साहब, ओरिफिडाल खाता हूँ तो ठीक रहता हूँ। किस बीमारी के लिए ओरिफिडाल खाते हैं तो ठीक रहता हूँ का क्या मतलब हुआ? थोड़ा सा टाइम ले लो, टाइप करके रख लो। ओरिफिडाल क्या होता है यार? ऑलराइट राम राम जी, राम राम जी। ओके ये तो ट्रांक्विलाइजर है भैया, लोरापाजा, लोराजपाम। आपको थोड़ा दिमागी बीमारी है का? हाँ, अटीवान ले रहे हो। आपको थोड़ा साइकोलॉजिस्ट के पास जाके साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करानी चाहिए। 130/80, नो मेडिसिन रिक्वायर्ड, डैश डाइट ओनली, फॉलो डैश डाइट। लिंक आपको मिल जाएगी, डैश डाइट पर डॉक्टर एजुकेशन टाइप करने से। गुड इवनिंग मिस्टर, इज देयर फ्रीक्वेंट ट्विचिंग इन माई बॉडी, प्लीज एडजस्ट। फ्रीक्वेंट ट्विचिंग कैन बी बिकॉज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम डिफिशियंसी, डिहाइड्रेशन। सो चेक योर कैल्शियम, राइट, ईट सम कैल्शियम एंड सी। ऑलराइट मोहम्मद अख्तर, मेडिकल स्टूडेंट हो, आई नीड टू आस्क सम क्वेश्चन रिगार्डिंग माई नी, प्लीज गिव मी योर मोबाइल नंबर। हमारे पास में ऐसा मोबाइल नंबर देंगे तो सिर्फ आपको थोड़ी मिलेगा, है जनाब, बाकी करोड़ों लोगों को क्या बोलेंगे हम? हैं, तुमको लग रहा है हम ऐसे अपने मोबाइल से वो भी कर पाएंगे? सो हमने एक वो व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सएप करके आप कंसल्टेशन करिए। आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, आपसे फीस नहीं ली जाएगी, बाकी एक बार, ऐसा नहीं कि रोज परेशान करोगे, है ना। 7827570775। इचिंग करने पर लेग्स में जुकाम बन जाते हैं, वाई? इचिंग करने से जुकाम नहीं, जख्म। भाई इचिंग करोगे, जोर जोर से खुजली करोगे तो जख्म तो सबके बनेंगे। इचिंग क्यों कर रहे हो? इचिंग क्यों हो रही है उसको ठीक करो। नो इचिंग, इचिंग नहीं होने चाहिए। इचिंग क्यों हो रही है? बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, एलर्जी है, डर्माटाइटिस है, ड्राई स्किन है, का प्रॉब्लम है तुमका? इचिंग क्यों कर रहे हो? वो देखो ना, इचिंग वाला वीडियो देखो।
यू मोहम्मद हमजा जी, थैंक यू। पाकिस्तान से हैं जनाब, बहुत बहुत हमारी तरफ से भी पाकिस्तान वालों को थैंक यू। गौरव दुप्पल, हाय हाय जैकी, डॉक्टर जी नाम ले लो एक बार, बहुत आ लवनीत शर्मा, लो जी ले लिया। और दसो नजीर साफी सर, टाइफाइड की वजह से क्या तलवों से लेकर घुटनों तक दर्द बना रहता है? जी बहुत जगह दर्द हो सकता है, सो इसमें जरूरी नहीं है कि टाइफाइड ही हो, और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। इट्स नॉट जस्ट द टाइफाइड, राइट, बट यस टाइफाइड की वजह से हो सकता है। सर मेरे एसजीपीटी 56 है और एजीपीटी 57 है, क्या ये डेंजरस है? नहीं जी डेंजरस नहीं है। पता है जब हेपेटाइटिस होता है ना, हेपेटाइटिस एक्चुअल हेपेटाइटिस ए, तो ये 56 नहीं 56,000 होता है, और ये 57 नहीं 57,000 होता है, तो फिर 1,000 गुना कम है आपका। किससे? तब भी डेंजरस नहीं होता, बताओ फिर काहे का डेंजरस? सर वॉडका इज गुड फॉर मेन, मैं सुनिया वॉडका के लेडी ड्रिंक का मेन नहीं पी सकते। भाई ये इतना है ना, बोलने वाले कई चीजें बोलते रहते, इतना कोई सुन की गल ए एवें नहीं सुनना पे, तो पुठी सीधी गल ना, ठीक है? वॉडका इज गुड फॉर एवरी वन, आई मीन वॉडका इज ओके नॉट गुड। अभी दवाई बना दो, मैं डॉक्टर ने क्या पी दे जाओगे, हैं इतना नहीं करना है, पुठे सीधे काम। वॉडका इज ओके, नो एवरीबडी कैन टेक एवरी थिंग वट एवर दे वॉन्ट, राइट। सब ड्रिंकिंग ओबियसली लिमिट विच करनी चाहिए है, जदों ओकेजनली, बाकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? आप वीडियो बनाया हुआ देखा होना तुम, ओके गो एंड वॉच दैट वीडियो। सर सपन दोष के बारे में बताओ प्लीज, सपन दोष के बारे में मेरा पूरा वीडियो है। सपन दोष आपके दिमाग का दोष है, दिमाग से सपन आते हैं और सपन से दोष हो जाता है, क्योंकि आप अपने दिमाग की जो इच्छाएं हैं उसको दबा रहे हैं सोच के कि वो पाप है, और वो पाप रात को होते हैं सपनों में। हाँ तो आप शादी कर लो, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा आप शादी कर लो चुपचाप से। सर सुशांत शुक्ला, कंपनी सर किस लिए दी जाती है? कंपनी एस आर, आई हैव नो आइडिया व्हाट इज दिस कंपनी एस आर, कोई नई दवा है? पर देखो ऐसा लोग करते हैं ना, जय माता दी, आशीष जी आई हैव सम स्किन प्रॉब्लम, देन यू शुड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना? मैनू ऐसे थोड़ी स्किन प्रॉब्लम बोल देने से डॉक्टर साहब आराम बाण इलाज बता देंगे, ऐसा नहीं होता। सो कंपनी का मेरे को कोई नाम नहीं दिख रहा इंटरनेट पे, इट माइट बी अ पेन किलर और समथिंग लाइक दैट, आई हैव नो आइडिया, ओके उसका कंटेंट देखना पड़ेगा। डियर सर एज 27, बीपी 140/87, सौम्या जी कृपया डैश डाइट शुरू करे, DASH डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपर टेंशन। देखो कैसे क्यों उम्र ना मजा आ रहा है। ओके हर्पीस ट्रीटमेंट बताएं, ट्रीटमेंट नहीं है बता सकते, हर्पीस के लिए एंटीवायरल लेने पड़ते हैं, उसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, एंटीवायरल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाएं, ओके सिंपल सी चीज़ है, डॉक्टर के पास जाओ। एक्जिमा ऑन हेड नॉट गेटिंग वेल विथ बीट का डेक्सा बेटा मिथासोन ऑइंटमेंट सजेशंस, ओके यू नीड टू टेक सम मेडिसिंस, ओरल मेडिसिंस ले लो, सिर्फ अपॉइंटमेंट से नहीं हो रहा है, देन दैट इज सिस्टमिक दवाई लेनी पड़ेगी। द मेडिसिंस आपको डर्मेटोलॉजिस्ट देंगे, मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ, ऑनलाइन कंसल्ट करो फिर शायद बता दूँ, क्योंकि आपकी पूरी कंडीशन को असेस करना पड़ेगा, ऐसा सिर्फ एक बात बता देने से काम नहीं हो जाता। सर मेरे पीपी शुगर 125 है, बलबीर सिंह जी कह रहे हैं फास्टिंग 69 169, हाउ टू कंट्रोल, शुड आई टेक ग्लिमिपराइड? वैसे तो काफ़ी अच्छी है, इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, पीपी 125 है, फास्टिंग 169 है, ऐसा कैसा उल्टा? खाना नहीं खाते क्या है? ये खाना खा के दौड़ने चले जाते हो, टिक 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 टिक, कुछ तो गड़बड़ है। आप HbA1c कराओ और लो कार्ब डाइट, रोटी जितनी रोटी खाते हो उसको आधे से आधा कर दो, रादर एक रोटी सुबह एक रोटी शाम। हाँ जी बिल्कुल सही सुना आपने, एक रोटी सुबह एक रोटी शाम, बाकी जो भूख लग रही है सैलेड खाओ, फल फ्रूट खाओ, वट एवर यू वॉन्ट। ऑल राइट सर जी, हाई ब्लड प्रेशर में क्या हार्ट अटैक का खतरा होता है? जी नहीं, हाई ब्लड प्रेशर में हार्ट अटैक का खतरा नहीं होता, सालों में धीरे 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 खून की नसों में डैमेज होता है और धीरे धीरे उसमें ब्लॉक बनता है, तो आगे चल के ऐसा नहीं होता, हाई ब्लड प्रेशर हो गया आज मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा नहीं होता,
हाई ब्लड प्रेशर है सालों तक तो हार्ट अटैक आगे चल के आ सकता है। सर प्लीज पाइल्स पलाइस मेडिसिन बताएं। पाइल्स के लिए सिट्स बात करिए और नीचे से लगाइए एनोवेट क्रीम। फिशर इज नॉट हीलिंग सर, फिशर के लिए भी लूज मोशन मोशंस को लूज रखना होगा। सॉफ्टोवैक पाउडर खाइए रात को 2 से 4 चम्मच, जितना मर्जी खाइए, बस मोशंस लूज होने चाहिए, मोशन सॉफ्ट होने चाहिए, नहीं तो फिशर कभी ठीक नहीं होगा। कैन आई टेक बटर अर्ली इन द मॉर्निंग हेल्प इन पाइल्स एंड लाइट। ये सब पाइल्स के एक साथ आ गए। पाइल्स के ऊपर फुल डिटेल वीडियो है मेरा, मिस्टर एनलाइटन माइंड एंड नास्यम एंड अष्टनिशु। सो पाइल्स की दवा के नाम भी उसमें बताए गए हैं, सारे का सारा इलाज बताया गया है उसमें, जाके देखिए। पाइल्स बाय डॉक्टर एजुकेशन। खुश रहो, बढ़िया रहो। चिल्ड्रन 11 फॉर विटिको स्टीरॉयड इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह से नहीं इस्तेमाल होता स्टीरॉयड। स्टीरॉयड पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। विटिलिगो के लिए आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और वो अपने तरफ से मिनिमम सिवियर ट्रीटमेंट देके ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। इरेक्शन हार्ड नहीं होता, अभी मैं 21 का ही हूँ। इसके लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, वो मैंने अपने वीडियो में समझाया हुआ है। कृपया जाके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाला वीडियो देखिए। अपेंडिक्स इज एट व्हाट लेवल ऑफ वर्टिब्रा? अपेंडिक्स इज एट व्हाट लेवल ऑफ वर्टिब्रा? एज आई सेड, इट्स नॉट फिक्स्ड एट व्हाट लेवल ऑफ वर्टिब्रा। इट्स नॉट फिक्स्ड टू हैव अ लेवल ऑफ वर्टिब्रा। अगेन रिमेंबर दिस, अपेंडिक्स इज नॉट एट अ पर्टिकुलर वर्टिब्रल पॉइंट। इट माइट बी समवेयर अराउंड L4, L5 और L3। किसी में L4 होगा, किसी में L5, किसी में L3। गुड नाइट। चलो दोस्तों, इट्स क्वाइट अ टाइम, काफ़ी सारे जवाब दे दिए हमने, आज का सवाल जवाब ख़त्म हुए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और ऐसे ही अगले संडे हम मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही रोज़ सवालों के जवाब पाना, तो हमारा दूसरा चैनल है, हमारा हेल्थ FAQs बाय डॉक्टर एजुकेशन, उसमें हम लाइव आते हैं। तो वहाँ आके मिलिए लाइव में कल कल शाम को, रात को अराउंड 10 बजे। ओके, गुड नाइट।